हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम के एच सो स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर सेवन ऑफ योर ई एस बुक सो स्टूडेंट्स द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ प्लेसेस अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ के जो भी प्लेसेस हैं जो भी स्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड द एरिया अराउंड अर्स हैज़ मेनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस सो स्टूडेंट्स हमारे चारों तरफ जो भी एरियाज हैं हमारा जो भी एरिया है उसके चारों तरफ बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं सम ऑफ दीज आर मार्केट हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन पार्क स्कूल पोस्ट ऑफिस बैंक एटसेट्रा सो ये इतने सारे प्लेसेस हमने देखे जो हमारे आसपास होते हैं तो चलिए फिर इनके बारे में और भी पढ़ते हैं आर नेबरहुड मीन्स द एरिया अराउंड आर होम अब नेबरहुड का मतलब क्या है नेबरहुड का मतलब पड़ोस होता है सो so, पड़ोस का मीनिंग क्या है सो स्टूडेंट सिंपली आर नेबरहुड मीन्स द एरिया अराउंड आर होम मतलब हमारे घर के चारों तरफ जो एरिया है वही हमारा क्या है नेबरहुड है ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स रेड फर्दर आफ्टर नोइंग अबाउट द पीपल ऑफ़ आर नेबरहुड लेट्स लर्न अबाउट द प्लेस ऑफ आर नेबरहुड सो स्टूडेंट्स हमने अब तक क्या पढ़ा अबाउट द पीपल ऑफ आर नेबरहुड हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा अब हम जानेंगे लेट्स लर्न अबाउट द प्लेस ऑफ आर नेबरहुड अब हम उन प्लेसिस के बारे में जानते हैं जो हमारे घर के आस पास हैं ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स इट फर्दर जो फर्स्ट प्लेस है वो है मार्केट और मार्केट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन बाई डिफरेंट थिंग्स जहाँ से हम कई सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को परचेज कर सकते हैं बाय कर सकते हैं देयर आर शॉप्स विच सेल इटेबल्स क्लोथ्स बुक्स स्टेशनरी फ्रूट एंड मैनी अदर थिंग्स वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो इटेबल्स यानी खाने पीने की वस्तुएँ क्लोथ्स यानी कपड़े बुक्स स्टेशनरी फ्रूट्स स्टेशनरी यानी जो किताबें कॉपियाँ होती हैं फ्रूट्स जहाँ से हम खरीद सकते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स जहाँ से हम बाकी भी चीज़ें खरीद सकते हैं सो so, ये होती है हमारी पूरी की पूरी मार्केट जहाँ पर कई सारी शॉप्स होती हैं ओके स्टूडेंट्स सो मार्केट तो आप कभी ना कभी गए ही होंगे ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्टली देखिए हमारा नेक्स्ट प्लेस कौन सा है हॉस्पिटल सिक पीपल आर ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल हॉस्पिटल में क्या होता है जो बीमार होते हैं जो सिक पीपल होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है देर आर डॉक्टर्स नर्सेज वार्ड बॉयज टू हेल्प द पेशेंट्स और पेशेंट्स की हेल्प के लिए वहां पर कौन होता है डॉक्टर्स होते हैं नर्सेज होते हैं वार्ड बॉयज होते हैं ओके स्टूडेंट्स सो ये हमने जाना किसके बारे में हॉस्पिटल के बारे में हॉस्पिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ओके okay, स्टूडेंट्स जब भी हम सिख होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं सिंपली है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन अ पुलिस स्टेशन इज एन ऑफिस ऑफ पोलिसमैन वो पोलिसमैन का क्या होता है ऑफिस होता है जहां पर पोलिसमैन रहते हैं ओके स्टूडेंट्स पोलिसमैन की अस सेफ़ एंड कैच द क्रिमिनल्स वो हमें सेफ रखते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं यानी अपराधियों को पकड़ते हैं ओके स्टूडेंट्स सो ये हमने पुलिस स्टेशन के बारे में जाना ओके सो नेक्स्टली हम जानेंगे किसके बारे में नेक्स्ट प्लेस हमारा कौन सा है सो नेक्स्ट प्लेस है हमारा पार्क पार्क में आप जाते हैं अ पार्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर नेबरहुड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वी विजिट ए पार्क टू गेट रिलैक्सड हम रिलैक्स होने के लिए पार्क में जाते हैं देर आर मेनी ट्रीज़ फ्लावर्स एंड ऑल्सो ए जॉगिंग ट्रैक वहाँ पर क्या क्या कुछ होता है देर आर मेनी ट्रीज़ वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं फ्लार्स बहुत सारे जो हैं फूल होते हैं एंड ऑल्सो ए जॉगिंग ट्रैक जॉगिंग ट्रैक मतलब वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए एक रास्ता भी होता है अब पार्क हैज़ स्विंग्स एंड स्लाइड्स वहाँ पर झूले होते हैं स्विंग्स एंड स्लाइड स्लाइडर्स या स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन वहाँ पर फिसलन बट्टियाँ लगी होती हैं और स्विंग्स वाले झूले होते हैं वी ऑल लव टू गो टू अ पार्क हम सभी पार्क जाना बहुत पसंद करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो ये हमने पार्क के बारे में जाना पार्क आपका फेवरेट प्लेस होगा हम सभी जानते हैं नेक्स्ट देखिए पोस्ट ऑफिस हेयर पोस्ट कार्ड्स एनविलॉब्स एनवेलॉप्स एंड स्टैंप्स आर शोल्ड तो देखिए पोस्ट कार्ड्स जिस पर लेटर लिख कर हम भेजते हैं एनवेलॉप जिसके अंदर लेटर डालकर हम भेजते हैं एंड स्टैम्प आर शोल्ड जहाँ पर यह सारा कुछ बेचा जाता है वो क्या है पोस्ट ऑफिस वी सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू अ पोस्ट ऑफिस हम हमें अगर लेटर भेजना है तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा ओके okay, स्टूडेंट्स और पोस्ट ऑफिस की वजह से ही हमें लेटर रिसीव भी होता है आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इट इन द पोस्ट बॉक्स हम क्या करते हैं हम लेटर जो है लिख करके और पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम देयर बाय द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस अब क्या होता है कि जो लेटर हमने आ, 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 जो भी है लेटर हमने लेटर राइटिंग के बाद उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया तो पोस्ट बॉक्स में से जो भी कर्मचारी होंगे जो भी स्टाफ होंगे पोस्ट ऑफिस के वो उन लेटर्स को कलेक्ट कर लेंगे ठीक है यानी वहाँ से उठा लेंगे नाउ नेक्स्ट देखिए ऑल लेटर्स आर शॉटेड इन द पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस में अच्छे से उनको पहले शॉर्ट आउट किया जाता है कि कौन कौन से लेटर्स कहाँ पहुँचाने हैं एंड देन सेंड टू डिफ़रेंट प्लेसेज और फिर उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है द पोस्ट मैन डिलीवर्स द लेटर्स टू हाउसेज एंड ऑफिस और फिर वहाँ से जहाँ पे लेटर पहुँचना था वहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस में और वहाँ के पोस्ट ऑफिस में से फिर जो पोस्टमैन है वो घर तक या ऑफिस तक लेटर पहुँचा कर जाता है तो ये हमने जाना किसके बारे में पोस्ट ऑफिस के बारे में नेक्स्टली हम स्टूडेंट्स जानते हैं ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है सो यू हैव टू रीड दिस पेज फ्रॉम योर बुक आपको ये अपनी बुक में से पढ़ना है ओके स्टूडेंट्स यू शुड हैव योर बुक इन योर हैंड आपके हाथ में आपकी बुक होनी चाहिए ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स गेट स्टार्ट it. बैंक अ बैंक इज एन ऑफिस वेयर वी कैन डिपॉजिट आर मनी एंड ज्वेलरी सेफली हम अपनी ज्वेलरी और मनी को वहाँ पर सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं वी कैन विदड्रॉ आर मनी वेन एवर नीडेड और हम जब भी हमें ज़रूरत होती है तो अपने पैसे निकाल सकते हैं देर आर मैनी प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऑल्सो इन आर नेबरहुड देखिए पूजा करने के लिए भगवान की पूजा करने के लिए वर्शिप का मतलब प्रार्थना होता है तो भगवान की प्रार्थना करने के लिए भी कई सारे प्लेस होते हैं हमारे आसपास कंप्लीट दियर नेम्स यहां पर कुछ प्लेसेस दिए गए हैं तो हमें क्या करने है? उनके जो नेम्स है वो कंप्लीट करने हैं ओके स्टूडेंट्स उनके नेम्स क्या करने हैं कंप्लीट करने हैं सो सिंपली देखिए फर्स्ट हमारा ये क्या दिखाई दे रहा है आपको ये तो टेंपल है टेंपल है तो टेंपल के लिए हम क्या करेंगे इसकी स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे सो टी ई एम टी ई एम पी एल ई टेम्पल ओके स्टूडेंट्स टेम्पल नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये तो चर्च है चर्च है सो यू विल राइट हेयर सी एच यू आर सी एच सो ये हो गया सिंपली चर्च ओके स्टूडेंट सो ये टेम्पल हो गया चर्च हो गया नेक्स्ट देखिए आपने भी ये फिल कर लेना है ओके okay, आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिए नेक्स्ट देखिए सो so, ये है मस्जिद मस्जिद को क्या कहते हैं मॉस्क मॉस्क कहते हैं तो सिंपली एम ओ एस क्यू यू ई मॉस्क यानी मस्जिद ओके नेक्स्ट देखिए ये क्या है ये है गुरुद्वारा गुरुद्वारा है तो स्पेलिंग लिखिए जी यू आर यू डी डब्ल्यू ए आर ए गुरुद्वारा ओके स्टूडेंट्स सो ये हमारे क्या हैं टोटल वर्शिप प्लेसेस हमने देख लिए ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाउ दिस इज एक्सरसाइज टाइम वट डिड यू लर्न आपने क्या सीखा ओके स्टूडेंट्स सो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स वी गो टू अब पोस्ट ऑफिस फॉर बाइंग फ्रूट्स क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो फ्रूट्स खरीदने के लिए नो no स्टूडेंट्स तो ये क्रॉस कर दीजिए या फिर सॉरी ट्रू फॉल्स है तो हम यहाँ पर एफ़ लिखेंगे क्या लिखेंगे एफ़ कि ये तो फॉल्स है ये तो क्या है फॉल्स है ये तो गलत है पोस्ट ऑफिस तो हम लेटर पोस्ट करने जाते हैं नेक्स्ट देखिए सिक पीपल आर ट्रीटेड इन ए बैंक अगर कोई बीमार है तो वह क्या बैंक में इलाज कराने जाएगा नो स्टूडेंट्स बैंक में तो हम अपनी ज्वेलरी सेफली रखने जाते हैं या तो मनी डिपॉजिट करने जाते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए देर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन इन ए पार्क बिल्कुल सही है पार्क में स्विंग्स यानी झूले होते हैं स्लाइड्स यानी फिसलन पट्टियाँ होती हैं नेक्स्ट देखिए एनविलोप्स एंड स्टैम्प आर सोल्ड इन ए पोस्ट ऑफिस सो ये बिल्कुल ट्रू है पोस्ट ऑफिस में एनविलोप और स्टैम्प्स जो है बेची जाती हैं ओके स्टूडेंट सो ये क्लियर हो गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैच द कॉलम्स कॉलम्स आपको मैच करने हैं सो फर्स्ट देखिए कीपार मनी सेफली हम कहाँ पर अपनी मनी को सेफली रखते हैं बैंक में बैंक में सेफली रखते हैं नेक्स्ट देखिए डॉक्टर्स एंड नर्सेस, डॉक्टर्स एंड नर्सेस कहाँ पर होते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस कहाँ पर होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट देखिए द एरिया अराउंड आर हाउस हमारे घर के आसपास का जो एरिया वो क्या होता है नेबरहुड क्या होता है नेबरहुड होता है ओके स्टूडेंट्स तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे घर के आसपास का जो एरिया है वो क्या होता है नेबरहुड होता है चलिए नेक्स्ट देखिए कैन बाय वेरियस थिंग्स कैन बाय वेरियस थिंग्स हम जो है अलग अलग वस्तुएं खरीद सकते हैं कहाँ से खरीद सकते हैं सो so स्टूडेंट्स हम मार्केट से खरीद सकते हैं ओके okay? तो ये आपको क्लियर हुआ ये आपने कॉलम्स मैच कर लिए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर टू सेंटेंसेज आर गिवन हेयर यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं टू सेंटेंसेज आर गिवन हेयर टिक the right suggestion which you should follow and cross the wrong one तो यहाँ पर tick और cross ही करना है आपको ठीक है यहाँ पर tick करना है और cross करना है first देखिए we should not take anything including eatable from स्ट्रेंजर्स वी शुड नेवर फॉलो दैम हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स से कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए और उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो पता नहीं कि हमें खाने में क्या मिला कर दे दे सो so स्टूडेंट्स ये सेफ नहीं रहता है तो ये बिल्कुल सही है यानी हम हमें जो है किसी भी स्ट्रेंजर के पीछे नहीं जाना चाहिए तो इसको आप टिक कर देंगे कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर के पीछे नहीं जाना चाहिए अगर वो हमें कहीं पर लेकर जाता है तो हम उसको फॉलो ना करें ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखिए वी शुड बी काइंड एंड कॉर्टियस टू आर नेबर्स हमें नेबर्स के प्रति दयालु और जो मेल जोल वाला जो आप ये कह सकते हैं मेल जोल रखना चाहिए तो ये बिल्कुल सही है ये भी बिल्कुल सही है ओके okay, स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही है सो so, ये हमने थ्री क्वेश्चंस कर लिए हैं नेक्स्ट देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अब आपको क्वेश्चंस को जो है सॉल्व uh, करना है तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी आंसर देना है आपको क्वेश्चन का वेयर वुड यू गो इफ़ यू विश टू बाई ए स्कूल बैग लंच बॉक्स वाटर बॉटल देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको कहाँ क्या करना है आपको एक स्कूल बैग लेना है लंच बॉक्स लेना है वाटर बॉटल लेनी है तो आप कहाँ जाएँगे तो सिंपली स्टूडेंट्स आप कहाँ जाएंगे आप या तो मार्केट जाएंगे या तो आप ये भी कह सकते हो कि आप बुक स्टोर जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक स्टोर पर भी अवेलेबल होती हैं स्कूल से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर होती हैं बुक स्टोर पर होती हैं सो सिंपली आप कह देंगे कि आप कहाँ जाएंगे बुक स्टोर जाएंगे कहाँ जाएंगे बुक स्टोर ओके स्टूडेंट्स तो आप कहाँ जाएंगे आप बुक स्टोर जाएंगे आप बुक स्टोर जाएंगे ओके स्टूडेंट्स अदरवाइज आप इसका सिंपल जो है एक ही आंसर लिख सकते हैं एक ही आंसर अगर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हम मार्केट जाएंगे कहाँ जाएंगे मार्केट जाएंगे ओके ये भी आंसर इसका सही रहेगा मार्केट ओके स्टूडेंट्स मार्केट जाएंगे सो so, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल वन वर्ड का आंसर है मार्केट नेक्स्ट देखिए राइट नेम्स ऑफ to uh, write names of टू ऑफ योर फ्रेंड हु लिव इन योर नेबरहुड ये तो आपको खुद ही बताना है आपके नेबरहुड में आपके पड़ोस में आपके दो दोस्तों दो दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखने हैं जो भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं उनके दो दोस्तों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं ओके स्टूडेंट्स और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्या कहता है क्वेश्चन कलर द गिवन पिक्चर ऑफ अ पार्क विद पेंसिल कलर्स और क्रायंस आपको पेंसिल कलर्स या क्रायन्स की हेल्प से इसमें कलर फिल करना है। है, सो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स इसमें कलर फिल करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीन कलर करेंगे कहां पर ग्रीन कलर हम करेंगे हमारे देखिएगा ग्रीन कलर करेंगे हमारे जो भी ट्रीज है ट्रीज में हम क्या करेंगे ग्रीन कलर करेंगे इस तरीके से ओके स्टूडेंट्स जितने भी ट्रीज हैं ओके फ्लावर्स में हम फ्लावर्स के अकॉर्डिंग कलर करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिंक कलर करेंगे ओके ये हमारे फ्लार्स हो गए जो पिंक कलर के हैं ओके पिंक कलर के और उससे नीचे जो है आप यहाँ पर ग्रीन कलर कर देंगे तो ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कलर्स कर देंगे ओके और आपको पता है कि जो स्टेम होती है पेड़ों की वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी चलिए मैंने आपको कलर करके दिखा दिया यहां पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कलर कर लीजिएगा ओके स्टूडेंट्स ओके चलिए यहाँ पर काफी सारे बच्चे भी हैं और देखिए यहां पर इन सबको ये क्योंकि ये क्या है ये सारे के सारे अ क्योंकि पार्क में हर जगह ग्रीनरी होती है तो इस तरह से आप इसको पूरा क्या कर लेंगे ग्रीन कर लेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स पूरा इसको क्या कर लेंगे ग्रीन कर लेंगे और बीच बीच में आप क्या लगा सकते हैं फ्लावर्स लगा सकते हैं ठीक है बीच बीच में आप क्या लगा सकते हैं फ्लार्स लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको पूरा कलर कर लीजिएगा आपकी मर्जी आप इसको किसी भी कलर में पेंट कर सकते हैं ओके लेकिन जैसा कलर उनका होता है वैसे ही आप कीजिएगा ओके स्टूडेंट्स तो ये आपका होमवर्क रहेगा इजेंट इट इंटरेस्टिंग ओके स्टूडेंट्स सो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा चलिएगा सो वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर थैंक यू वेरी मच बाय